दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक और शानदार न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित सिंह और आप देख रहे हैं रोहित के ब्लॉग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जैसा कि मैं फाइंड कर लूँ, अगर मैं दूरी जो है 1 किलोमीटर ले लूँ यानी 1000 मीटर ले लूँ और जो है चाल मैं 40 का स्पीड ले लूँ तो उसको सॉल्व करके कितना समय आने वाला है ये हमने थ्योरी में पढ़ा, तो उसी का मैं आज प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे किलोमीटर लगाया है, भटनी दादन और रामपुर कारखाना का किलोमीटर लगाया है, तो वहाँ से मैं 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर इस बाइक से चलने वाला हूँ। और ये हमारा हो गया दूरी, और मैं 40 की स्पीड से एकदम कांस्टेंट स्पीड से 1 किलोमीटर चलूँगा 40 के स्पीड से, तो उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कितना समय लगने वाला है। तो बाकी हमको फाइंड हो गया है किलोमीटर 1000 मीटर चलना है, उसके बाद से 40 की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चलूँगा सीधे 1 किलोमीटर। दो चीज़ फाइंड हो गया मेरा, एक तो हो गया दूरी 1000 मीटर, दूसरा हो गया चाल 40 की स्पीड से मैं चलूँगा। तो इन दोनों के कैलकुलेशन से जो मेरा समय लगने वाला है उसको मैं फाइंड करने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात तो बोलना चाहूँगा कि मैं शूटिंग के लिए जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ ये कैमरामैन जो है हमारे साथ जाते हैं, तो मेरे साथ काफ़ी परेशान होते हैं और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे कैमरामैन हैं, दिखाइए अपना फेस। हाँ, तो इनके लिए तो मेरे लिए नहीं, तो भाई इनके लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्त, 1 लाइक तो कर ही दो यार। इतना मेहनत करते हैं, इतना ये पब्लिक में आके वीडियो को शूट करते हैं, पब्लिक मुझे देखती है, मैं उनको देखता हूँ, काफ़ी सामना करना पड़ता है इन लोगों का। तो ये जो अंदर जो शर्म आती है ना, तो अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है या वीडियो शूट किसी प्रकार का करना हो तो आप ये शर्मिंदगी जो है इसे निकाल फेंकिए। तो मैंने तो निकाल दिया, आज मैं पब्लिक में जाऊंगा रिएक्शन वीडियो शूट करने और आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा। और हाँ, किसी भी प्रकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा दोस्त। पब्लिक में जा कर दिखाऊँगा लोगों का जो ये शर्मिंदगी है, मैं तो निकाल फेंका हूँ, आप भी निकाल फेंकिए। तो मैं जाकर दिखाने वाला हूँ, आप कमेंट सेक्शन में, फिर बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मुझसे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, अब मैं 100% दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अभी गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, चलिए आ जाइए भाई। तो अभी मैं तो दोस्तों जैसा कि बता दूँ कि अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मैं सामने की तरफ जाने वाला हूँ 1 किलोमीटर, वो दूरी में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर कवर करूँगा और चाल जो है 40 की स्पीड से कांस्टेंट रखूँगा। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 0, 10, 20, 30 ऐसे बढ़ेगा, तो मैं यहाँ से 40 का कांस्टेंट स्पीड बढ़ाऊँगा और आगे की तरफ चलूँगा। तो इसको 40 स्पीड मेंटेन करने के लिए मुझे पीछे से कवर करना पड़ेगा, तो और पीछे मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। गाड़ी नहीं आ रहा है भाई, तो ये हो गया भटनी दादन और देख रहे हैं बैतालपुर रामपुर कारखाना रोड 4 किलोमीटर। तो थोड़ा और पीछे हो लेते हैं और 40 का स्पीड मेंटेन करेंगे। ये जाता है भटनी दादन हाटा की ओर। अब मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ गाड़ी और चलता हूँ, 40 की स्पीड मेंटेन करता हूँ। अब ये हो गया गाड़ी 40 का स्पीड मेंटेन और ये रहा किलोमीटर, और आगे की ओर बढ़ता हूँ, 40 की स्पीड मेंटेन हो गया भाई। अभी देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा, 40 की स्पीड दिख रहा होगा और मैं इसको आगे चलता हूँ और किलोमीटर भी देख लेना दोस्त, 620 किलोमीटर 30 मीटर ये दिख रहा, 620 किलोमीटर। और मैं आपको वहीं पर रोकूंगा जहाँ आगे किलोमीटर का वो पत्थर होगा। तो चलता हूँ, 40 की स्पीड मेंटेन किया हूँ, टाइम आपको शो कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे टाइम शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेंटेन,
किलोमीटर देखना तो रोकना ठीक है वहाँ पे आगे। बाकी ये रोड चलता फिरता तो है लेकिन उतना नहीं चलता है, तो यहाँ पे ट्रैफिक का उतना ज़्यादा इशू नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और गाड़ी फास्ट चला रहे हैं ये वो, कुछ इस तरह का कमेंट मत करना आप, गाली वाली न देना भाई। अभी ये मैंने 40 का स्पीड मेंटेन रखा है, अभी 1 किलोमीटर नहीं पहुँचे हैं, अब बस पहुँचने वाले हैं। ये रहा 1 किलोमीटर रामपुर कारखाना, आप देख सकते हैं। अब मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा कितने सेकंड में आप पहुँचे हैं, बाकी मैंने टाइम सेकंड नहीं देगा। तो ये रहा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर मैंने पहुँच रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी गाड़ी चलाकर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आ चुका हूँ, और ये रहा पत्थर जो किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। तो मैं अभी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आ चुका हूँ, और चाल जो था 40 का स्पीड। बाकी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप कैलकुलेशन करके बताना कि कितना सेकंड आया, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। बाकी इस तरह के वीडियो जो आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं 100% दूँगा भाई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं कि धान वगैरह है काफ़ी गिरा हुआ है, तो किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी एक मेरे ये भाई साहब जो है इधर आइए, ये हमारे एक छोटे मित्र भाई के समान हैं, इनके गांव के समीप मैं वीडियो शूट करता हूँ, और पिछली बार जब शूट किया था तो ये भाई आ गए थे और आज भी आ गए हैं, तो इनके लिए तो 1 लाइक तो बनता है कि ये इतने इंटरेस्टेड हैं कि ये वीडियो शूट देखने के लिए आ जाते हैं, तो इनके लिए 1 लाइक तो बनता है। बाकी आपका क्या नाम है दोस्त? तनवीर। तनवीर नाम है। और कितने कक्षा में आप पढ़ते हैं? 5 क्लास में पढ़ते हैं। कौन से स्कूल पे? ब्राइट फ्यूचर। ये ब्राइट फ्यूचर, पीछे दिखा दीजिए कैमरामैन, ये ब्राइट फ्यूचर स्कूल है, यहाँ पे पढ़ते हैं 5 में। आपके गांव किधर है, इस साइड या इस साइड? कौन सा गांव है आपका गांव? विशनपुरा। इनके गांव का नाम विशनपुरा और इनका भाई का नाम है तनवीर। बाकी आप ये बोलिए हमारे दर्शकों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य नए टॉपिक पे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।